हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं CPL के फर्स्ट मैच का, जो कि खेला जाएगा गुयाना अमेजोन वॉरियर और ट्रिनबागो नाइट राइडर के बीच में। तो हम देखेंगे जो ये गुयाना के बीच में और ट्रिनबागो के बीच में जो है ये मैच खेला जाएगा, वो किस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे पहले वीडियो का स्टार्ट करते हैं, तो पहले इनका प्रीवियस ईयर का जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में देखो तो गुयाना जहाँ जो है वो 10 में से 6 मैचेस जो है वो जीता था, 4 हारा था, और सेकेंड सेमीफाइनल जो है ये खेल रहा था सन किड्स के द्वारा, सन्स किड्स के साथ ये सेकेंड फाइनल में सेमीफाइनल खेल रहा था और वहाँ पर जो है हार गया और उसके बाद जो है फाइनल में नहीं जा पाए। इसके अलावा हम ट्रिनबागो की बात करें तो लास्ट 10 मैचों में से सेकेंड सीजन के पूरे 10 के 10 मैचेस जो है ये जीता था। एक ऐसा टीम था जो कि सारे मैचेस जो है वो जीता था। यही अगर हम उसके लास्ट सीजन की बात करें तो उसके लास्ट सीजन में गुआना जो था वो 10 मैचों में से 9 मैचेस जो है वो जीता था। तो इस तरह से आप देख रहे हो दोनों टीमें जो हो काफ़ी टक्कर की, और पहला ही मैच जो है वो बिल्कुल टक्कर टीमों के बीच में जो होने वाला है, जैसे कि चेन्नई और मुंबई में मैचेज जो है वो होता है। तो इस तरह से जो ये मैचेज होगा और काफ़ी जो है ये रोमांचक मैचेज जो है ये खेला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस मैच के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट होंगे वो जो आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, यहाँ पे जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। यहाँ पे आपको CPL से रिलेटेड सारे डिटेल जो है यहीं पे मिलते रहेंगे, और कॉल पिटिशन सर्च करके आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, या फिर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो आप टेलीग्राम पर जो है वो जुड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले मैच का। तो ये कैरेबियन लीग का जो है ये होगा पहला मैच, थर्सडे को खेला जाएगा यहाँ पे 26 अगस्त को। टाइमिंग जो होगा होगा 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से, और वेन्यू जो है ये होगा वार्नर पार्क सन किड्स में जो है ये खेला जाएगा सारे मैचेज। सन्स किड्स का जो हम एक बार वेन्यू रिव्यू कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड पिच है, जहाँ पे जो है एक ओशियनिक कंडीशन है और इससे जो है आपको बॉलरों को स्विम करने में काफ़ी मदद मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि जहाँ पे ओशियनिक कंडीशन रहता है वहाँ पे बैटरों को भी जो है काफ़ी मदद मिलता है, जैसे आप मुंबई देख लो तो वहाँ पे जो है किस तरह से जो है मदद जो है वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा समुद्र के कारण है तो ये जो है पिच जो है धीरे धीरे स्लो होते जाता है। मुंबई वाला पिच भी हम लोग कई बार देखते हैं कि फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़्यादा रन बन जाता है, सेकेंड इनिंग में जो है कभी कभी वहाँ पर दिक्कत होता है। तो सेम कंडीशन जो है ये भी जो है न्यूजीलैंड में अप्लाई करता होता है, और न्यूजीलैंड में एक कंडीशन और होता है कि यहाँ पर पिच जो है धीरे धीरे स्लो होते जाता है। हाईएस्ट रन चेस आप देखोगे इस ग्राउंड पे तो यहाँ पे जो आपको 241 जो है वो देखने को मिलेगा, और लोवेस्ट डिफेंड जो है वो 112 देखने को मिलेगा। लास्ट 10 मैच में से यहाँ 7 चेस हुआ है, 3 जो है वो डिफेंड हुआ है, जिनमें से एक जो है आपको ये जो है वो टाई हुआ था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं वेन्यू रिव्यू पे, तो वेन्यू रिव्यू आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अब तक जो है वो 39 मैचेज जो है खेले गए हैं, जिनमें से 15 जो है फर्स्ट बैट जीता है और 23 जो है सेकेंड बैट जीता है, और इनमें से जो है टाई हुआ है, और जो एवरेज फर्स्ट बैट है वो जो है 166। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे तो अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 150 से नीचे जो है 12 स्कोर है, 150 से 70 के बीच में 12 स्कोर है, और 170 से 90 के बीच में 5 स्कोर है, और 190 से ऊपर जो है यहाँ पे 10 स्कोर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे कि वेदर फोरकास्ट जो है वो कैसे रहने वाला है। तो वेदर फोरकास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि 29 डिग्री जो है वो टेम्परेचर रहने वाला है, और ये हो जाएगा मीडियम ह्यूमिडिटी डे रहेगा, बारिश से 10%, यानी कि मैच जो है आपको पूरा देखने को जो है मिलेगा। इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पे टॉस डिसीजन की, तो ज़्यादा चांसेस है कि गोवाना जो है वो टॉस जीतेगा, और टॉस जीत के जो बॉलिंग करना जो है वो पसंद करेंगे। अब हम देख लेते हैं टीम न्यूज़ दोनों टीमों का। तो टीम न्यूज़ में आपको देखने मिलेगा कि गोवाना की तरफ से निकोलस पुरन जो है इस बार लीड करेंगे, और 16 मेंबर स्क्वाड जो है वो रेडी है पहले मैच के लिए। और यही हम बात करते हैं राइडर्स की, तो राइडर्स में जो है आपको किरण पोलार्ड जो है लीड करेंगे, और 17 मेंबर स्क्वाड जो है इनका अवेलेबल है इस मैच के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं हम प्लेइंग 11 की, तो दोनों टीमों की तरफ से ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, एक दो प्लेयर जो है वो चेंजेज हो सकता है। तो गुआना की तरफ से आपको जो है सिमरन हेटमेयर, ब्रेंडन किंग, शुएब मलिक, मोहम्मद हाफिज़, इसके अलावा चंद्रपॉल हेमराज, निकोलस पुरन, एंथोनी ब्रैमल, इसके अलावा जो है इमरान ताहिर, नवल उल हक, रोमियो सेफर्ड और केविन सिनेचर जो है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और यही हम बात करते हैं ट्रिनबागो नाइट राइडर की, तो यहाँ से जो है आपको देखने को मिलेगा ड्वेन ब्रेवो, लैंडन समर्स, किरण पोलार्ड, कोलिन मुनरो, ट्वेन वेबस्टर, या फिर जो है आपको ऑलराउंडर के साथ जाएंगे तो ट्वेन बिलेवर, ट्वेन वेबस्टर, और विकेट के साथ जाएंगे तो टीम शेफर्ड, इसके अलावा जो है इसरो उडाना, इसके अलावा दिनेश रामदीन और सुनील नारायण, खारी फेर, इसके अलावा जो आपको अखिल हुसैन और यासिर शाह के साथ जो है ये टीम जो है वो जाएगी। अब हम देख लेते हैं की प्लेयर। तो अगर आप किसी भी तरह का जो है फैंटासी लीग खेलते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि कौन से प्लेयर जो आप सिलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे ये वो प्लेयर हैं जिनको आप सिलेक्ट करोगे तो एक अच्छा सा जो है पॉइंट आप अर्न कर सकते हो। तो गुआना की तरफ से आपको सिमरन हेटमेयर, ब्रेंडन किंग, शुएब मलिक, निकोलस पुरन, इमरान ताहिर, नवल उल हक और केविन सिनेचर को जो है पिक करके चलना है, और ये जो है आपको अच्छा सा पॉइंट जो है वो दे देंगे। यही हम बात करते हैं राइडर्स की, तो राइडर्स में से आपको जो है ड्वेन ब्रेवो को लेकर चलना है, किरण पोलार्ड, कोलिन मुनरो, इसरो उडाना, सुनील नारायण और अखिल हुसैन को जो है पिक करके चलना है,
ये जो आपको अच्छा सा पॉइंट जो है वो देंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं लास्ट मैचों का, तीन का, तो रिसेंट परफॉर्मेंस में लास्ट एडिशन का जो है ठिंगनाबो जो है वो आप देखोगे लास्ट रिसेंट 5 के 5 मैच जीता है, लास्ट रिसेंट 10 मैच देख लो तो 10 के 10 जो है वो जीता है। और गुआना की बात करते हैं तो रिसेंट 5 मैचों में से जो है ये 4 लगातार जीता है, और लास्ट में जो है सेमीफाइनल जो है ये संत किट्स से हार गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे दोनों टीमों का हेड टू हेड अभी तक कैसे रहा है। तो हेड टू हेड जो दोनों टीमें 21 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें से ट्रिनबागो नाइट राइडर जो है 12 जीता है और गोवाना जो है वो 9 जीता है। इसके अलावा आप देखोगे इनके एवरेज स्कोर, तो जहाँ पे दोनों टीमें जो है ऑलमोस्ट सेम एवरेज रन से जो है वो एक दूसरे के साथ रन बनाती है, यानी कि 140 के आसपास जो है दोनों टीमें एवरेज रखती है। फर्स्ट बैट करते हुए जो है यहाँ पे TKR जो है वो 2-3 जीता है, गोवाना जो है 2 जीता है, और सेकेंड बैट करते हुए TKR जो है 9 जीता है और गोवाना जो है वो 7 जीता है। और यहाँ पे विनिंग चांसेस में आप देखोगे तो अभी तक का जो विनिंग चांसेस है TKR का ज़्यादा है, TKR का 57% है, और 43% के आसपास जो है वो गोवाना का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ ग्राफ से भी जो है वो देख सकते हो कि दोनों टीमों में जो है आपको किस तरह का डिफरेंस जो है अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की, तो उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आइए नंबर आपके लिए जो है वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, यहाँ पे जो है आप जुड़ जाओ। और साथ ही कॉल पर सर्च करके जो है आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके जो है आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम से। अब चलो देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम जो है वो कैसे सेलेक्ट करना है। तो बात करते हैं जब ड्रीम इलेवन टीम की, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से जो है प्लेयर हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरन को, टीम साइफर्ड या रामदीन में से कोई अगर एक भी रहता है तो उनको जो आप सिलेक्ट कर लेना। बैटिंग के ऑप्शन की बात करते हैं तो मुनरो जो है वो भी अच्छे फॉर्म में नहीं, हमने जैसे 100 में देखा। हेडमेयर को ले सकते हो, मलिक को, इसके अलावा सिमंस को भी आप छोड़ सकते हो, ब्रेंडन किम को लेकर चल सकते हो। और इसके अलावा हम बात करते हैं ऑलराउंडर में तो पोलार्ड को, नरेने को, हफीज़ और उड़ाना में से आप जिसको चाहो लेकर चल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ जो हूँ उड़ाना के साथ अभी चल रहा हूँ। और बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में जो है आपको यहाँ पे ताहिर को लेकर चलना है, इसके अलावा नवलुलुहक को लेकर चल सकते हो, और इसके अलावा जो है आपको अजोरी हुसैन जो है इनको लेकर चल सकते हो। तो यहाँ पे होगा टोटल हमारे 11 प्लेयर। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो कैप्टन जो है आपको यहाँ पे आप बना के चल सकते हो पोलार्ड को, कि बहुत सारे लोग जो हो जाएंगे तो आप अगर अलग टीम बनाना चाहते हो तो पोलार्ड को जो है लेके मत जाना, किसी और को जो है पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पोलार्ड के साथ जाता हूँ ताकि मैं बना रहा हूँ सेफ टीम, और निकोलस पुरन के साथ जो है वाइस कैप्टन के तौर पर जा रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हो टीम प्रीव्यू, और इस टीम के साथ जो है खेल सकते हो अप टू 7 मेंबर, जिससे जो है आपको एक अच्छा सा जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है आपको पता है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलो व्हाट्सएप पे।